9 अगस्त को क्रांति दिवस पर सीएम आवास देहरादून में गरजेंगे चंपावत के गुरिल्ले, करो या मरो का आंदोलन करेंगे। पिछले 17 सालों से अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे गुरिल्ले अब अपनी मांगों को लेकर 9 अगस्त को क्रांति दिवस पर उत्तराखंड के सीएम आवास देहरादून में धरना देंगे और करो या मरो आंदोलन की शुरुआत करेंगे। गौरतलब है कि गुरिल्ले सरकार से नौकरी की मांग कर रहे हैं। शुक्रवार को गुरिल्ला संगठन चंपावत जिला अध्यक्ष ललित बगोली ने बताया कि प्रदेश के गुरिल्ला पिछले 17 सालों से अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं तथा 5000 दिन से धरने पर बैठे हुए हैं, पर सरकार के द्वारा सिर्फ सत्यापन करके उन्हें गुमराह किया जा रहा है। बगोली ने कहा कि जबकि हाईकोर्ट नैनीताल ने गुरिल्लाओं के पक्ष में फैसला देते हुए सरकार को 3 महीने के भीतर गुरिल्लाओं की मांगों को पूरा करने के आदेश दे दिए थे और उसके बाद सरकार ने एक बार फिर सत्यापन करवा कर मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया है। इससे गुरिल्ले अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे हैं। इस कारण प्रदेश के गुरिल्लाओं में सरकार के खिलाफ काफी आक्रोश है। बगोली ने बताया कि गुरिल्ले अब अपनी मांगों को लेकर 9 अगस्त क्रांति दिवस पर सीएम आवास देहरादून जाकर धरना देंगे और करो या मरो आंदोलन की शुरुआत करेंगे, जिसके लिए हम गुरिल्लाओं ने पूरी तैयारी कर ली है। उन्होंने कहा, चंपावत जिले से भी 400 से 500 गुरिल्ले 8 अगस्त को देहरादून की ओर कूच करेंगे और 9 अगस्त को पूरे उत्तराखंड से आए गुरिल्लाओं के साथ सीएम आवास का घेराव करके धरना देंगे और जब तक मांग पूरी नहीं होगी तब तक धरने से नहीं उठेंगे। बगोली ने कहा कि इस बार सरकार से आर पार की लड़ाई होगी, चाहे गुरिल्लाओं को अपनी जान ही क्यों न देनी पड़े। अब उनके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। बगोली ने कहा कि हम अभी भी सरकार से विनती कर रहे हैं कि सरकार जल्द से जल्द 45 साल तक के गुरिल्लाओं को नौकरी दे दे और बुजुर्ग और दिवंगत गुरिल्लाओं के परिजनों को पेंशन या आर्थिक मदद दे, नहीं तो गुरिल्लाओं का आंदोलन जारी रहेगा। जिलाध्यक्ष बगोली ने जिले के सभी गुरिल्लाओं से अधिक संख्या में देहरादून पहुंचकर आंदोलन को सफल बनाने की अपील भी की है। एसएसबी गुरिल्ला संगठन का जिलाध्यक्ष चंपावत जिले का जिलाध्यक्ष ललित बगोली बोल रहा हूँ। हमें लंबा संघर्ष हो गया, 5000 दिन हमारे अल्मोड़ा में हो गए हैं, 17 साल से आंदोलन करते करते हो गए हैं। हमने अपने शरीर तक को भी निछावर कर दिया है और सरकार हमें लगातार गुमराह करती आ रही है, कभी हमारा सत्यापन कर रही है, कभी कुछ कर रही है। यहाँ तक कि हाईकोर्ट ने भी हमारा फैसला दे दिया था कि 3 महीने के अंतर्गत इनको नियुक्ति दे दी जाए करके, उसके बाद भी सरकार ने हमारे ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की है, लगातार सत्यापन करती आ रही है, 2 बार सत्यापन कर दिया है। और हम लोगों ने यह तय किया है कि 9 अगस्त को जो क्रांति दिवस है उस दिन हम एक गुरिल्ला लोग जो है देहरादून में सीएम आवास कूच करेंगे, एक बड़ा कार्यक्रम करेंगे। और हम लोगों ने यह तय किया है कि जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी तब तक हम वहां से उठेंगे नहीं। और गुरिल्ला 8 तारीख को चंपावत जिले के जितने गुरिल्ला लोग हैं, करीब 400 से 500 के बीच में गुरिल्ला चंपावत जिले के देहरादून को कूच करेंगे 8 तारीख को। अन्य राज्यों के गुरिल्ला भी कूच करेंगे, जिसमें आपके 13 जिले तो हमारे उत्तराखंड के ही हो गए और उसके बाद अन्य राज्यों वाले वहां पहुंचेंगे। हमने बड़ा कार्यक्रम करने का निश्चय किया है। हमने ये कहा कि अपने हक के लिए हम अपने प्राण तक देने के लिए तैयार हैं। इस बार जो हमारी लड़ाई गुरिल्ला संगठन की लड़ाई आर पार की लड़ाई होगी, हम लोगों ने यह तय किया कि जब तक हमारा काम सफल नहीं होगा हम वहां से उठेंगे नहीं। सरकार से ये कहते हैं कि हम लोगों की मांग जो है जल्दी से जल्दी पूरा करने की कृपा करें, क्योंकि हमें लंबा समय हो गया है, अब हम लोगों के पास कुछ नहीं बचा हुआ है। जो हमारे पास जितना भी हम दिन दिहाड़ी करते हैं, जो भी दिन काम करते हैं, वो पैसा हमारा सब देहरादून दिल्ली जाने में ही लगातार खर्च होता रहता है। हम लोगों के पास अभी कुछ नहीं है। हम लोगों ने यह तय किया है कि जब तक हमारी मांग पूरी नहीं करेंगे तब तक हम यहाँ से उठेंगे नहीं। यूपी न्यूज 9 के लिए चंपावत से लक्ष्मण सिंह बिष्ट की रिपोर्ट।